हेलो दोस्तों, तो ज्योग्राफी की जो दिसंबर की आपकी प्रीक्योर कंपाइलेशंस है वो देखते हैं। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि न्यूज़ के बैकएंड में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टैटिक चीज़ें हैं, एडिशनल एसोसिएटेड चीज़ें हैं, पेपर उन्हीं से आना है। तो लेट्स सी कि इन न्यूज़ के बैकएंड पे क्या आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। खुद को एक बार असेस कर लीजिए, चेक कर लीजिए। वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है तो वाटर पोल्यूशन पे आई थिंक 8th की एनसीईआरटी में देयर इज अ चैप्टर, वो पढ़ सकते हैं आप। शंकर आईएएस का जो पोल्यूशन का पार्ट है, राइट, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है ना, मीना माता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो ये सब चीज़ें शंकर आयस में पोल्यूशन पे हैं, दीज बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे कि पर्टिकुलर रिवर कोई न्यूज़ में रही है तो आप रिवर सिस्टम का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप सी पैक पढ़ेंगे तो सी पैक के साथ INSTC, आजगाबाद अग्रीमेंट, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन न्यूज़ रहते हैं, वो भी आप डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें तो आप ऐसी की ऐसी पढ़ेंगे, जहाँ जो जो एडिशनल है दैट आई विल टेल यू। अब जैसे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी सेंटर चैलेंज है तो आप जो भी UN का हैबिटेट प्रोग्राम है उसके बारे में डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलर नेशनल पार्क न्यूज़ में है तो जितने नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में उनकी कोई स्पेशलिटीज़ हैं, उनसे एसोसिएटेड कोई बायोडिवर्सिटी है, वो भी आप डेफिनेटली पढ़ेंगे। PVTG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल प्री में इस पर सवाल आया था। ठीक है, साइक्लोन्स न्यूज़ में है तो साइक्लोन्स के नेमिंग कन्वेंशंस क्या हैं, जो भी साइक्लोन्स न्यूज़ में है, कौन से कोस्ट पे आए हैं, अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न है किसी पर्टिकुलर साइक्लोन का, वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स की बात हो रही है तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं वर्ल्ड के, इंडिया के, आप पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने कुछ लिस्ट यहाँ भी दी हुई है बट आप अपने एंड पे भी उसको डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है, देन लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आप डिस्प्यूट टेरिटरीज जो हैं वो पढ़ेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कौन सी थी, कितना रिजॉल्व हो गया, अब कितनी है। ठीक है, देन ये SAARC, BIMSTEC, BBIN, कलादान मल्टी मॉडल कॉरिडोर, तो ये सारी ही सारी चीज़ें आपको बैक एंड पे पता होनी चाहिए, कौन इनके मेंबर्स हैं, कौन नहीं है, कौन पहले थे अब इसके पास नहीं है, या अगर किसी न्यू ने ज्वाइन किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है सिंपल शब्दों में। देन ग्रीन गुड डीड्स, गुड समार्टियंस आप चेक करेंगे कि जाके कौन से एक्ट में इसकी बात हो रही है। देन RISAT सीरीज़ की बात हो रही है तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कौन कौन से प्लान मिशंस हैं, है ना, ये चीज़ें भी आ जाती हैं आपको। देन वेयर एलिमेंट्स ऐसे का ऐसा, जागा मिशन, ओके ना, ग्लोबल रिफ्यूज फोरम की बात हो रही है तो ऐसे रिफ्यूजी कन्वेंशंस कौन से जो इंडिया ने साइन किए हैं, क्या साइन किए हैं या नहीं, और ऐसी वर्ल्ड की कम्युनिटीज जो डिस्ट्रेस में हैं जैसे कि रोहिंग्यास, उइगर मुस्लिम्स, है ना, तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ते रहना ज़रूरी है। ठीक है, देन यू हैव सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, राइट, इफ अ पर्टिकुलर रिजर्वॉयर इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग, है ना, तो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हाँ, जैसे कि ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स अथॉरिटी की बात हो रही है तो आप वीपो के बारे में पढ़ो, वीपो कौन कौन सी रिपोर्ट्स लेके आता है वो पढ़ो, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में और आइडिया होगा, है ना। बीटी ब्रिंजॉल की बात हो रही है तो बीटी कॉटन को भी आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ठीक है, टाइफूनस की बात, अटल भूजल योजना, डेफिनेटली यू शुड रीड ऑल दिस। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड कि आपने एडिशनली क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी करंट अफेयर्स तो हमने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चलो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।